All right, good morning guys. So I think mostly सब आ गए हैं. Great. So हम लोगों ने last class में जैसे मैंने आपको बताया था temperature वाला part observe किया था. That how temperature affects the rate of reaction and उसमें मैंने अरिनियस थ्योरी पे थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हुए आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट या यू कैन से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बताया था. एंड ये डायग्राम्स एनर्जी डायग्राम्स जिनको हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल्स, ये आपको अच्छे से समझ में आने लगे थे. ठीक है, देन मैंने इसके ऊपर कुछ एक दो क्वेश्चन आपको कराए थे एंड देन आई स्पोक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट वर एक्टिव, मतलब fraction of molecules that had energy greater than the activation energy barrier. And उसको use करते हुए हम लोगों ने K का एक equation लिखा था. इसमें orientation के बारे में भी एक factor होता है जिसको हमने include किया था, but उसके ऊपर हमने ज़्यादा कुछ discussion करा नहीं because वो temperature पे depend नहीं करेगा. And based on that we arrived at an important relationship of how to understand variation of K with temperature. And इसमें हम लोगों ने देखा था कि temperature बढ़ाने पर K बढ़ रहा है, रेट कांस्टेंट बढ़ रहा है. ठीक है, एंड इसके ऊपर मैंने दो तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपको कराए एंड लास्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि जिसका ज्यादा ये रहता है, ठीक है, जिस केस का ज्यादा ये रहता है उसकी सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर भी ज्यादा रहती है. ठीक है, दिस वॉज समथिंग दैट वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास. अच्छा, अब आज की क्लास में यहीं से डिस्कशन पिक करेंगे एंड मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पहले हाईलाइट करना चाहूंगा. तो सम टाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू थिंग्स, सो लेट मी टेक सम टाइम टू क्विकली इलैबोरेट मोर ऑन इट. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. सो द टॉपिक वुड बी of this nature, dependence and dm dependence dependence of capital K and small k on temperature. ठीक है, ये कैपिटल के किसके लिए स्टैंड करता है? दिस स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. एंड स्मॉल के किसके लिए स्टैंड करता है? रेट कांस्टेंट के लिए. ठीक है, सो यहां पर आप ऑब्जर्व करना, ठीक है, किस तरीके से हम लोग रिलेशनशिप समझते हैं दोनों का. सो इफ यू रिमेंबर आपने थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में पढ़ा भी था, ln k is equal to minus delta h naught by r into 1 by t plus delta s naught by r. ठीक है, ये आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा था. तो अगर दो टेम्परेचर है जिस पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 k2 है, तो हमारा रिलेशनशिप बिटवीन द टू कम्स आउट टू बी इन दिस मैनर, दैट लॉन के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाय आर इंटू वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू. ठीक है, अब इसमें ऐसा था कि अगर डेल्टा एच नॉट ग्रेटर देन जीरो है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो क्या ऑब्जर्वेशन रहता था? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आल्सो इंक्रीजेस. ठीक है, और अगर डेल्टा एच नॉट लेस देन जीरो था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का केस था, तब उस केस में कैसा रहेगा? एज टेम्परेचर इंक्रीजेस के डिक्रीजेस. ये हमारी अंडरस्टैंडिंग थी.
ठीक है, यहां पर रेट कांस्टेंट के बारे में आप लोगों ने ऑब्जर्व करा लॉन के, ठीक है, स्मॉल के से हम लोग रेट कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू लॉन ए माइनस ए बाय आर टी, और यू कैन सिंपली से लॉन के टू बाय के वन इज इक्वल टू ए बाय आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। तो इसमें कैसा रहता है, एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहता है, ठीक है, सिंस एक्टिवेशन एनर्जी ये कैसा है, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है उसका एनर्जी ज्यादा ही रहेगा ना रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट से, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रेट कॉन्स्टेंट ऑलवेज इंक्रीज, ठीक है। तो ये क्विक डिफरेंस था दोनों के बीच में, जिसके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, ये आपको बहुत ही क्लियरली समझ में भी आना चाहिए और याद भी रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनका सिमिलर दिखने वाला फॉर्मूला है, इसी के लिए मैंने यहाँ पर इन दोनों को ऐसे साइड बाय साइड लिख के आपको बताया है, ताकि आप लोग फ्यूचर में इन पे कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा, अब ये हमको समझ में आया, तो अब हम लोग कैटलिस्ट के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, कि एक कैटलिस्ट किस तरीके से रेट ऑफ रिएक्शन के साथ में प्ले अराउंड करता है। तो यहां पर ऑब्जर्व करना, थर्ड फैक्टर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट देख लिया है, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया है, अब हम कैटलिस्ट का इफेक्ट देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से ऑब्जर्व करना, अ कैटलिस्ट ऑल्टर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑल्टर्स मतलब होता है चेंज, ठीक है, थोड़ा फैंसी सा वर्ड है, इसका मतलब हो गया चेंज। अब समटाइम्स कैसा होता है, इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो उस केस में हम लोग उसको पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं, कई बार डिक्रीज भी कर सकता है, उसको नेगेटिव कैटलिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होता है वाटर एंड O2 के अंदर जाता है, जो ये सेल्फ डिकम्पोजिशन होता है, हमने वॉल्यूमेट्रिक में रिएक्शन देखा था, ठीक है, कैन बी स्लोड बाय एडिंग ग्लिसरीन, ठीक है, तो ग्लिसरीन इनके साथ में रिएक्ट तो नहीं करता है, बट समहाउ इस रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर देता है, तो ये नेगेटिव कैटलिस्ट का भी एग्जाम्पल होता है। हाउएवर इस चैप्टर में हमारा फोकस तो पॉजिटिव कैटलिस्ट के ऊपर ही रहेगा, ठीक है, अगर कुछ बोल के नहीं आ रहा है तो हम लोग तो यही मानेंगे कि कैटलिस्ट मतलब पॉजिटिव, मतलब वो रेट को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब कैसा रहता है, हाउ डज अ कैटलिस्ट इंक्रीज द रेट, तो उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। यहां पर ध्यान से ऑब्जर्व करना, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय changing the mechanism, ठीक है, और इनफैक्ट आप
इसको इस तरीके से सिंप्लीफाइड वर्ड में बोल लो, अभी मैकेनिज्म वर्ड अपन ने डिटेल में देखेंगे, थोड़ी देर बाद देखते हैं। बाय यू कैन से लोअरिंग, ठीक है, सिंपल और सिंपल मैं कर देता हूँ, बाय लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख देते हैं चेंजेस मैकेनिज्म। ठीक है, क्या होता है मैकेनिज्म में थोड़ा टाइम बाद समझाता हूँ, पर कैसा होएगा इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट से रेट ऑफ रिएक्शन लोअर हो जाता है। ठीक है, कैसे, इसका एक सिंप्लीफाइड व्यू आप ऑब्जर्व करो। सो एक तरफ लेट मी मेक द ग्राफ ऑफ अनकैटलाइज्ड, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, वाई एक्सिस पर एनर्जी है। ठीक है, हम लोग रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहे हैं, मान लो एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा होगा, एंड वी आर गोइंग टू गो वाया एन एक्टिवेशन एनर्जी गैप, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। ठीक है, अब व्हाट विल हैपन इज, अगर इसी रिएक्शन को मैंने कैटलाइज कर दिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये सेम रिएक्टेंट थे, ठीक है, उससे सेम प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, पर अब अलग तरीके से बनेगा। ठीक है, एंड क्या हो जाता है, दैट एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कम हो जाता है। जैसे आप यहां पे नोटिस करोगे, ठीक है, यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी था, इसको मैं ईए फॉरवर्ड बोल देता हूं, अब वो एक्टिवेशन एनर्जी ईए डैश बोल देते हैं, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाता है। ठीक है, इवन बैकवर्ड का भी एक्टिवेशन एनर्जी लोअर हो जाता है। ठीक है, कैटलिस्ट जो है वो फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड दोनों साइड से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, इसको ईए बैकवर्ड डैश बोल देता है। ठीक है, दिस इज कैटलाइज्ड पाथवे। ठीक है, अभी कैसे हो रहा होगा, मैं इसके एक छोटी सी पिक्चर देने की कोशिश करता हूं आपको। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर क्या होता है, तो जैसे मान लो ये रिएक्शन था C2H4 प्लस एच टू इज गिविंग सी टू एच सिक्स। ठीक है, ये अनकैटलाइज्ड पाथवे है। ठीक है, इधर लिखता हूं मैं C2H4। ये काफी फेमस ऐसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बोलते हैं ना इसको, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेट करने का। So, C2H4 plus H2 giving C2H6. अब अगर ये अनकैटलाइज्ड है, ठीक है, तो ये रिएक्शन कैसे हो रहा होगा, ये रिएक्शन में ऐसे एक इथेन का मॉलिक्यूल आ रहा होगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आ रहा होगा, एंड ये आपस में कोलाइड करके रिएक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, कोलाइड प्लस रिएक्ट। ठीक है, तो ये अनकैटलाइज तरीका हो गया। अब इसमें क्या होगा,
बीच में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर प्रोडक्ट बनेगा और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की काफी हाई एनर्जी रहेगी, तो ये रिएक्शन ऐसे काफी स्लोली हो रहा है। पर जब हम इसमें से निकल एलिमेंट एज कैटलिस्ट यूज करते हैं, से C2H4+H2, और ये निकल की सरफेस पे कर रहे हैं, ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हर बार कैटलिस्ट ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है, कैटलिस्ट के वर्क करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, मैं एक जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे निकल की सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये ऐसे निकल का सरफेस होता है, इसकी सरफेस के ऊपर रिएक्टेंट्स आके बैठ जाते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अडजॉर्ब होना, ठीक है, बाद में आपको पढ़ाएंगे सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में कि यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आके बैठ जाते हैं, और जब वो बैठते हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर ऐसे ये इथेन का मॉलिक्यूल ऐसे आके ना यहाँ पर बैठने लग गया, ठीक है, यहाँ पर ऐसे निकल के सरफेस के ऊपर बैठने लग जाता है, तो उससे क्या होता है, इसका ये वाले जो बॉन्ड होते हैं वीक हो जाते हैं, ठीक है, ये बॉन्ड वीकर हो जाते हैं। सिमिलरली ऐसे H2 भी, ठीक है, मान लो आके बैठ जाता है ऐसे बाजू में, ठीक है, ऐसे H2 भी आके बाजू में बैठ जाता है बाजू वाली साइड पे, तो अब ये H2 का बॉन्ड भी वीकर हो जाता है, ठीक है, फिर ये आपस में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करने लगेंगे, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्ड फॉर्म करने लगेंगे। तो इस केस में, ठीक है, क्या हो गया कि निकल की सरफेस पर बैठने की वजह से जो एटम्स थे उनके बॉन्ड पहले से थोड़े ऑलरेडी वीक हो गए, तो इससे क्या हो गया, जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना था, ठीक है, उसमें जो बॉन्ड ब्रेक करने वाला पार्ट था तो बॉन्ड ऑलरेडी थोड़े से कमजोर हो गए, ठीक है, तो उन कमजोर बॉन्ड्स को ब्रेक करने के लिए अब ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी, कम एनर्जी लगेगी, ठीक है, तो इसी के लिए यहां पर ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों का ही एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है। ये मैंने एक छोटा सा आपको आइडिया दिया किस तरीके से यहां पर कैटलिस्ट काम कर रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पर, ठीक है, इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पूरा अच्छे से ऐसे आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो पूरा 2 पेज का एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर डिटेल्ड एडसॉर्प्शन थ्योरी टू बी कवर्ड इन सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर, ठीक है, ये एनसीईआरटी में सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर जब आप पढ़ते हो उसमें इसका पूरा एकदम ऐसे मॉलिक्यूलर लेवल पर आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है दैट मॉलिक्यूल्स काफी अच्छे से। अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं और बताना चाहूंगा, आई डोंट नो अगर आप लोगों ने शिक्षा हाउस करके एक यूट्यूब पर चैनल देखा है क्या, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, शिक्षा हाउस, हाँ, तो ये शिक्षा हाउस करके एक जो चैनल है मुझे ये यूट्यूब पे मिला, इस पे ना काफी अच्छे एक्सप्लेनेशंस रहते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के स्पेशली, जैसे मान लो, ठीक है, थोड़े लंबे लंबे वीडियो रहते हैं पर आप लोग अपने फ्री टाइम में मतलब इसमें थोड़ा विजुअलाइज करते हुए इनको अच्छे से पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स का ही बताता हूँ, चलो, अरे इसमें ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स है तो अब ये पूरा फुल चैप्टर है जो कि 1 घंटे में ऐसे रिकैप कर देते हैं ये लोग, ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह नहीं बताते हैं इसमें,
ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं होते, जस्ट जो थ्योरी होता है ना उस थ्योरी को ये लोग काफी ऐसे डिटेल में कवर करते हुए बताते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें भी ये पूरा अरिहेनियस थ्योरी वाला रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी वाला, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे ना, अभी कैटलिस्ट वाला भी आएगा इसमें। ये देखो पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, फिर इसमें भी देखना अभी ये एक्टिवेशन, ये सेम एग्जांपल इन्होंने एक्चुअली लिया हुआ है, देखो ये इथीन और इथेन वाला। ठीक है, तो उससे कैसे एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रहा है, तो ये इसमें थोड़ा सा ऐसे मॉलिक्यूल लेवल पर डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं। देखो ये निकल के सरफेस पे ऐसे हाइड्रोजन आता है और उससे क्या होता है, उसके बीच के बॉन्ड्स वीक हो जाते हैं। तो अब जो इथेन मॉलिक्यूल है वो उस पर आके रेडिली बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, तो ये एक डेफिनेटली अच्छा आपके लिए सोर्स रहेगा अभी, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम पर जहां पे आपको एनसीईआरटी कवर करनी रहेगी। ठीक है, तो इसमें एक एक चैप्टर मतलब ऐसे एक घंटा दो घंटा उसके अंदर ये लोग पूरा ऐसे बता देते हैं, समझा देते हैं, एंड बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, शिक्षा हाउस आप लोग देखना, मुझे काफी अच्छा लगा। ठीक है, एनीवेज कमिंग बैक, तो अब यहां पर कैटलिस्ट क्या कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर और नोटिस करना। कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों को ये इंक्रीज करता है। कैसे, हमने यहां पर देखा ना ये फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड, दोनों को ही ये डिक्रीज कर देगा। ये फॉरवर्ड को ये डैश फॉरवर्ड में लेके चला गया एंड ये डैश फॉरवर्ड कैसा है, छोटा है। सिमिलरली ये बैकवर्ड को भी ये डैश बैकवर्ड में लेके चला गया जो भी छोटा है, दोनों। ठीक है, ये जो थे ये कैटलाइज्ड वाले थे और ये अनकैटलाइज्ड वाले थे। ठीक है, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कैटलिस्ट के बारे में आप ध्यान रखना, अ कैटलिस्ट डज नॉट इन्फ्लुएंस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लाइक डेल्टा एच चेंज नहीं होगा, जैसे आप यहां पे नोटिस कर रहे हो जो रिएक्टेंट था और प्रोडक्ट था वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रहेगा, तो यहाँ पर जो ये डेल्टा एच का वैल्यू है वो दोनों केस में सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती है, डेल्टा एस, डेल्टा जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये सब कोई चेंज नहीं होगा। मान लो कोई रिएक्शन पहले 20% जाकर इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा था, ठीक है, तो कैटलिस्ट डालने के बाद में वो चेंज नहीं होगा, वो अभी भी 20% जाकर ही इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। ठीक है, बस ऐसा था कि पहले मान लो उसको 20% अटेन करने में पूरा एक दिन लग रहा था, तो अभी वो कुछ मिनट्स में या कुछ सेकंड्स में हो जाएगा। तो कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ स्पीड के ऊपर चेंजेस लेके आता है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करता है। फिर ऊपर वाली पर लाइन लिखनी है। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये कैटलिस्ट के ऊपर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं।
कैटलिस्ट कैसे वर्क करता है, उससे कैसे इंक्रीज होता है रेट का, ठीक है। अच्छा पढ़ा अभी इसको, समझा? ठीक है, अब मैं इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा देता हूँ। यस सर। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ट्राई करो। अ कैटलिस्ट लोअर्स द rate of a reaction or lowers क्या बोल रहा हूँ, catalyst increases the rate of a reaction by a factor of 10. At 300 Kelvin, determine the change in EA, activation energy. ठीक है, in calories brought by this catalyst. आंसर करने की कोशिश करो। वो क्या चीज चेंज इन क्या है? चेंज इन ये एक्टिवेशन एनर्जी, तो इन कैलोरी है ना उसका? यहाँ हाँ कैलोरी, यूनिट्स कैलोरी में आप देना ना आंसर।
आया कुछ आंसर? इसमें देखो कैसा करेंगे हम लोग, अब मैंने आपको बताया लॉन के क्या होता है, लॉन ए माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, ई ए चेंज होने की वजह से के में चेंज आ रहा है, तो मान लो पहले ई ए वन था तो के वन था, ठीक है। अब अगर ई ए चेंज हो जाएगा, मान लो ई ए, या इसको मैं डैश कर देता हूँ चलो, ठीक है, पहले ये और के था, अब ये ई ए डैश हो गया तो यहाँ पर ये के डैश हो जाएगा, है ना। ये वाला मान लो अनकैटलाइज था, ठीक है, ये वाला कैटलाइज्ड होगा, तो इससे मुझे पहले ही क्या समझ में आ जाएगा, ई ए और ई ए डैश में ई ए डैश छोटा होगा, जिसकी वजह से K और K डैश में कौन बड़ा होगा, K डैश बड़ा होगा, रेट बढ़ जाता है ना, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, लॉन K डैश अपॉन K, ठीक है, इज इक्वल टू ई ए माइनस ई ए डैश अपॉन आर टी, ठीक है, और यू कैन से डेल्टा ई ए अपॉन आर टी। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट रहेगा जब हम कैटलाइज्ड वर्सेस अनकैटलाइज्ड रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको बोला है, या फिर आपको लॉग में लिखना है, तो ये लॉग में कैसा हो जाएगा, लॉग के डैश अपॉन के, ठीक है, विल बी इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन 2.303 आरटी, ठीक है, डेल्टा ए का मॉड वैल्यू लेना, ये भी चलेगा। तो अभी यहाँ पर कैसा था, एज पर द डेटा ऑफ द क्वेश्चन ये 10 टाइम्स कर दिया है, तो लॉग 10 तो कितना होगा, 1, और कैलोरीज में देना है तो आर का वैल्यू 2 यूज करेंगे, और टेम्परेचर 300 केल्विन बोला गया है, तो आपका ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 600 इंटू 2.303। तो ये आ जाएगा आपका 1381.8 कैलोरी, डेल्टा ई ए, नॉट ई ए, एक्चुअली डेल्टा ई ए, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी। ये समझ में आया, मैं जूम आउट करूं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है, देखना आप लोग आंसर कर पाते हो क्या। इसमें टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों को चेंज कर दूंगा मैं, तो लेट्स सी, अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन फ्रॉम 20 किलो जूल
पर मोल टू 10 किलो जूल पर मोल, ठीक है. द टेम्परेचर एट विच द अनकैटलाइज्ड रिएक्शन विल हैव द सेम rate as the or as that of catalyzed reaction at 27 degree centigrade is, ठीक है. और आपके सामने चार options हैं, minus 123 degree centigrade, 23 degree centigrade, 327 degree centigrade and 600 degree centigrade. Answer do. Actually, 54 degree centigrade. आया आंसर किसी का? आसान क्वेश्चन है ये, मतलब शायद दिखने में आपको लग रहा है बट कैलकुलेशन वगैरह बहुत सिंपल है. इसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर और एक्टिवेशन एनर्जी दोनों के साथ में चेंजेस ला रहे हैं.
सी सर, सी ऑप्शन सही आंसर, एकदम सही। सो इसमें कैसा हो रहा है, यहाँ पर नोटिस करना के अनकैटलाइज्ड, ठीक है, एट 300 केल्विन, ठीक है, हमेशा केल्विन में करनी कैलकुलेशन, इज इक्वल टू के कैटलाइज्ड, ठीक है, और इनफैक्ट सॉरी के अनकैटलाइज्ड एट टी केल्विन इज इक्वल टू के कैटलाइज्ड एट 300 केल्विन, है ना। तो यहां पर नोटिस करना ए इंटू ई की पावर माइनस कितना था, 10 किलो जूल अपॉन आर इंटू 300, है ना, एंड यहां पर रहेगा ए इंटू ई की पावर माइनस 20 अपॉन आर इंटू टी। अब जब बाकी चीजों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 अपॉन टी विल बी 10 अपॉन 300, तो इससे टेम्परेचर आ जाएगा आपका 600 केल्विन, मतलब 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें खास ध्यान यूनिट्स का भी रखना पड़ा, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट भी अब समझ में आ गया है। अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करना एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक अब हम लोग डिस्कस करेंगे, पर वो टॉपिक कैसा रहेगा, अब वो टॉपिक रहेगा थोड़ा सा अलग। मतलब मैं आपको अगर इस चैप्टर के स्टार्ट में लेके जाऊं, ठीक है, जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट किए ही थे, ठीक है, तो इफ यू रिमेम्बर मैंने आप लोगों को ये आउटलाइन दिया था चैप्टर का, ठीक है, कि हम लोग स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेशन मतलब फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को भी देखेंगे, उसमें पहला कॉन्सेंट्रेशन, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा कैटलिस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, एंड उसमें हमारे करीब करीब 7 लेक्चर निकल जाएंगे, ठीक है। तो आज हमारा 8वां लेक्चर चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग आगे हैं, पर ठीक है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पर ही है। अब इसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ आज, ठीक है, विच इज एक्चुअली कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS, ठीक है। कायदे से ये तो टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट ऑफ चैप्टर में होना चाहिए, ठीक है, इसको आप मान के चलो कि ये आज की और कल की क्लास में लगेगा, ठीक है, लेक्चर 8 टू लेक्चर 9 में ये टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये टॉपिक स्टार्ट में कवर करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बेसिक्स को एड्रेस करता है, बेसिक्स से डील करता है, पर क्योंकि हम पहले क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट को करना चाहते हैं टैकल, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में उसी पे आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले फैक्टर समझाए, अब मैं इस बेसिक वाले पार्ट के ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी कम टू टुडेज क्लास अगेन, ठीक है। अब इसमें लेट मी पुट द हेडिंग, रिएक्शन मैकेनिज्म एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है, RDS बोलते हैं हम उसको, ठीक है। अभी कैसा रहेगा यहां पर ऑब्जर्व करना, तो थोड़ी सी थ्योरी पढ़ना है इसके पहले की,
बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड इंटू टू टाइप्स. ठीक है, क्या रहेगा वो क्लासिफिकेशन? सो एक होता है सिंपल और यू कैन से एलिमेंट्री. ठीक है, एंड दूसरा रहेगा कॉम्प्लेक्स. ठीक है, अब इतने अंतर क्या रहेंगे एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले सिंपल वाले के ऊपर फोकस करते हैं. सिंपल वाले के अंदर क्या होता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म रहता है. सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट्स आपस में टकराते हैं. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि ये ऐसा ए टू प्लस बी टू इज गिविंग टू ए बी. ठीक है, तो अगर ये मान लो सिंगल स्टेप में हो रहा होगा, ठीक है, तो ये कैसे हो रहा होगा, इधर ए का मॉलिक्यूल आया, इधर से बी का मॉलिक्यूल आया, ये आपस में कोलाइड करे, राइट, एंड इससे ए बी बन गया. ठीक है, इस तरीके से ये आपका रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बन गया एक ही कोलिजन में. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स के बारे में क्या बोला जा रहा है, इसमें मल्टी स्टेप मैकेनिज्म होता है. ठीक है, मान लो यही रिएक्शन, ठीक है, ए टू प्लस बी टू इज गिविंग टू ए बी, ये कैसा है, मल्टीपल स्टेप्स में भी हो सकता है. ठीक है, कैसे, मतलब डिपेंड करेगा, मतलब मैं तो एक जनरल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ आपको, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसे ही हो, ये मैं एक जनरल एग्जांपल ले रहा हूँ. ठीक है, से इस तरीके से होता है. स्टेप वन, स्टेप वन में क्या हो रहा है, ए टू पहले टू ए में ब्रेक हो रहा है. ठीक है, फिर जो इंडिविजुअल ए का एटम है वो बी टू के मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है और उससे एक ए बी बन रहा है और एक बी का एटम बन रहा है. ठीक है, फिर ये जो बी का एटम था और पहले बचा एक ए का एटम, फटाफट आपस में रिएक्ट करके एक और ए बी का प्रोडक्ट बना देंगे. ठीक है, तो इसमें अगर आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको ये ओरिजिनल रिएक्शन ही वापस मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो रहा है यहां पर आप नोटिस करना. इसमें ए टू एंड बी टू ये क्या है, रिएक्टेंट्स है. ठीक है, एंड ए बी मेरा प्रोडक्ट है, बट जो इंडिविजुअल ए एंड बी एटम बना बीच में बन के खत्म हो गया, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड इंटरमीडिएट्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है जो हम लोग यूज करेंगे आगे काफी जगह. तो ये क्या हुआ है, बने और खत्म हो गए विद इन द रिएक्शन ओनली. They are called intermediates. ठीक है, तो ऐसे ही मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा होगा. जस्ट मैंने एग्जाम्पल लिया है, कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, हो सकता है कि बी टू पहले टूट के दो बी बना रहा हो, मतलब ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है, तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ले लिया आप लोगों के साथ. पर आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच का अंतर समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल समझने की कोशिश करेंगे. यहां पर हम लोग एक वर्ड डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी. ठीक है, सो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मॉलिक्यूलैरिटी ये एक वर्ड डिफाइन हो रहा है.
मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंटरी, ठीक है, एलिमेंटरी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एन एलिमेंटरी रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, colliding simultaneously to form activated complex. ठीक है, activated complex या transition state जो हम बोलते हैं उसे हम लोग molecularity बोलते हैं. अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर कोलाइड करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी टू हो जाती है. तीन मॉलिक्यूल्स साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी थ्री हो जाती है. ठीक है, सो जनरली कैसा होता है, तीन या उससे ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी के रिएक्शंस काफी रेयर होते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैं जस्ट ऐसे लिख देता हूँ स्टार्टिंग, इसी में एड ऑन नॉलेज के लिए, मॉलिक्यूलरिटी greater than equal to 3 is rare. ठीक है, क्योंकि एक साथ तीन या तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड करें इस चीज की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है. ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी greater than equal to 3 is rare as probability of collision of, or you can say simultaneous collision, probability of simultaneous collision of three or more molecules is very low. ठीक है, अच्छा, इसी में यहां पर नोटिस करना, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंटरी रिएक्शन इज इट्स मॉलिक्यूलरिटी ओनली विच ऑल्सो means that order with respect to a reactant is going to be its coefficient only. ठीक है, यहां पर जैसे for example मैं आपको एक दो एग्जांपल बताता हूँ रुको, चलो मैं एनसीईआरटी से एक बार एग्जांपल लेता हूँ इसका. ठीक है, मुझे एकदम ऐसे याद तो नहीं है बट मैं एनसीईआरटी से उठा सकता हूँ. एनसीईआरटी केमिकल काइनेटिक्स, हाइनेटिक्स नहीं रहे, कुछ भी पढ़ लेता है. वेट, ठीक है, तो इसमें मान लो मैं वो एक एग्जांपल लेता हूं. कहाँ गया, मॉलिक्यूलरिटी
जैसे यहां पर आप ऑब्जर्व करो, ये यूनिमोलिकुलर का एग्जाम्पल हो गया, यहां पर एक ही मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहा है तो इसको यूनिमोलिकुलर बोल देते हैं। यहां पर दो एच आई के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मॉलिक्यूलरिटी टू हो गया। यहाँ पर दो एनओ के और एक ओ टू का मॉलिक्यूल आपस में साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, जो कोफिशियंट होगा ना वही इनका ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, ये समझ में आया। जैसे यहाँ पर मैं ये टू एनओ प्लस ओ टू, ठीक है, ये वाला एग्जांपल उठा लेता हूँ, 2NO plus O2 gives 2NO2, ठीक है, तो is a single or is an elementary reaction, is an elementary reaction, तो इसका मतलब क्या हो गया, order with respect to NO will be 2 and order with respect to O2 will be 1. मैं जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा वो के एनओ की पावर 2 एंड ओ2 की पावर 1 इस तरीके से लिखूंगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, एलिमेंट्री रिएक्शन है तो कोफिशिएंट एंड ऑर्डर सेम ही चीज हो गई। बट जहां पर कॉम्प्लेक्स केस होता है वहां पर ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वाले के बारे में अब मैं जैसे एलैबोरेट करूं यहां पर, तो ध्यान से ऑब्जर्व करना, मॉलिक्यूलैरिटी of a complex reaction is not defined, ठीक है, यहाँ पर बहुत important है और ये clearly आप observe करना, molecularity of a complex reaction is not defined, ठीक है, each step is elementary and has its own molecularity. ठीक है, हर एक स्टेप की खुद की एक मॉलिक्युलैरिटी है। जैसे मैं आपसे पूछूंगा इसमें स्टेप वन की मॉलिक्युलैरिटी कितनी है, क्या आंसर रहेगा आपका? टू। वन। स्टेप टू की? इसमें ए एंड बी टू आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना, कोलाइड कर रहे होंगे तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी होगी? टू। टू। और स्टेप थ्री की भी टू। ठीक है, तो इंडिविजुअल स्टेप की आप बता सकते हो पर ओवरऑल रिएक्शन का कोई मॉलिक्युलैरिटी नहीं होता। ठीक है, डिफाइन ही नहीं करते हैं। ऐसा मत करना कि मैं एवरेज ले लेता हूँ या सबको ऐड कर देता हूँ, ये सब मत करना, डिफाइन ही नहीं करता है। ठीक है, कई जगह पर गलत इंफॉर्मेशन भी लिखी हुई है। कई जगह पर क्या करते हैं कि मैकेनिज्म में जो है स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है, उसकी मॉलिक्युलैरिटी को मॉलिक्युलैरिटी ऑफ रिएक्शन बोल देते हैं, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के बारे में लिखा होगा ना, देखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मॉलिक्युलैरिटी हैज नो मीनिंग। ठीक है, मॉलिक्युलैरिटी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, ये एनसीईआरटी के वर्ड्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस तरीके से मत करना दैट आप जाके स्लोएस्ट स्टेप को ऑब्जर्व करो और उसकी मॉलिक्युलैरिटी को ओवरऑल रिएक्शन की मॉलिक्युलैरिटी बता दो, वैसा नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, यहां पर अब ऑर्डर कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो यहां पर नोटिस करना, इसमें क्या है, ऐसे डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन cannot be commented upon directly. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसमें
हमने मैकेनिज्म देखेंगे और उसमें से स्लोएस्ट स्टेप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म, and identifying the slowest step, ठीक है, and this slowest step is called as RDS or rate determining step, ठीक है? तो अभी हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और elaborate करेंगे. मतलब इसको जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाना चाहूँ कि मान लो कोई रिएक्शन है जिसमें ऐसे मल्टीपल स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है? स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, ठीक है? इसमें एक मिनट लग रहा है, इसमें वन आवर लग रहा है, इसमें वन सेकेंड लग रहा है, ठीक है? और ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है, ठीक है? बट ऐसा है कि पहला रिएक्शन होगा तो ही दूसरा रिएक्शन हो पाएगा, और दूसरा होगा तो ही फिर तीसरा रिएक्शन हो पाएगा. तो ओवरऑल टाइम कितना लग जाएगा मेरे को रिएक्शन में? ओवरऑल टाइम विल बी वेरी क्लोज टू वन आवर ओनली, ठीक है? तो क्यों? क्योंकि ये सेकेंड स्टेप इज समथिंग विच विल बी माय स्लोएस्ट स्टेप एंड यू कैन से इट विल बी द वन विच विल हेल्प डिटरमाइन द रेट. ये समझ में आया? यस, ठीक है. तो अभी किस तरीके से हम लोग अब इसमें अगर मैकेनिज्म मिल जाएगा तो उससे कैसे हम लोग रेट डिटरमाइन करेंगे वो मैं आपको अब एक एग्जाम्पल के थ्रू, एक टॉपिक के थ्रू आपको समझाता हूँ, ठीक है? तो एक नया टॉपिक लिख लेते हैं हम लोग इसके नीचे, आरडीएस अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, अब इसमें आप ऑब्जर्व करना हम लोग किस तरीके से अब आगे बढ़ना चाहेंगे. तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा यहां पर नोटिस करना. गिवन mechanism and speed, ठीक है, rate of each step, हमको क्या करना रहेगा, हमको determine करना पड़ेगा, हमें determine करना पड़ेगा rate expression एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, मान लो मैं आपको एक रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म दे दूं, ठीक है, और बता दूं उसमें कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा स्टेप फास्ट है, ये इंफॉर्मेशन मैं दे दूं, तो क्या आप उससे रेट एक्सप्रेशन निकाल सकते हो क्या? ठीक है, क्या आप उससे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता सकते हो क्या? ये चीज हमें देखनी रहेगी. तो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं यहां पर, देखना इसका थ्योरी क्या रहेगा. इन सच क्वेश्चंस द
रिएक्शन मैकेनिज्म कंसिस्ट्स ऑफ वन और मोर रिवर्सिबल स्टेप्स that are rapid and stay close to equilibrium during most of the reaction. Followed by a relatively slow rate determining step which helps get the rate of reaction. ठीक है, तो खूब सारे चार पांच लाइन की इंग्लिश लिख दी मैंने. अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ, समझाता हूँ. तो यहाँ पर कैसा रहेगा, तो ये लिखना है क्या? हाँ लिख लो. हो गया लिखा? हाँ अच्छा. तो अब इसमें एक एग्जांपल के थ्रू समझना. ठीक है, मान लो ये रिएक्शन है ए टू प्लस बी टू गिविंग टू ए बी, एंड इसके बारे में बोला जा रहा है कि इट फॉलोज दिस मैकेनिज्म. मैकेनिज्म में स्टेप वन है ए टू इज गिविंग टू ए, एंड ये एक रैपिड स्टेप है, रैपिड फास्ट स्टेप है, इक्विलिब्रियम आ जाएगा. ठीक है, देन जो ए है वो बी टू के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड उससे ए बी बन रहा है, ये स्लो स्टेप है. ठीक है, एंड इसके बाद में ए एंड बी आपस में रिएक्ट करके ए बी बना रहे हैं और ये भी फास्ट स्टेप है. ठीक है, ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और आपसे बोला जा रहा है कि अब डिटरमाइन द रेट एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. ठीक है, अब इसमें ऑब्जर्व करना कि हम लोग इसको कैसे अब वर्क करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बोला था, द स्लोएस्ट स्टेप, ठीक है, इसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं, कैन बी यूज्ड
to determine the order of, or can be used to determine the rate of reaction. ठीक है, तो ये आपका पहला इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो गया. तो हम लोग बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट कैन बी रिटन एज द रेट ऑफ द सेकेंड स्टेप. ठीक है, क्योंकि सेकेंड स्टेप हमारा स्लोएस्ट आरडीएस था. अब रेट ऑफ सेकेंड स्टेप में कैसे लिखूंगा, इट विल बी के टू इंटू ए की पावर वन इंटू बी की बी टू की पावर वन. वाई? बिकॉज स्टेप टू इज एलिमेंट्री. ठीक है, इंडिविजुअल स्टेप जो है वो एलिमेंट्री होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो कोफिशियंट है वही आपका ऑर्डर रहेगा, है ना. तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे सेकेंड स्टेप जो था उसमें ए की पावर वन एंड बी टू की पावर वन, ये मेरा एक्सप्रेशन में आ जाएगा. ठीक है, अब लेकिन इसके बारे में नोटिस करना एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, दिस कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज फाइनल आंसर. ठीक है, ये कैन इट्स कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज फाइनल एक्सप्रेशन. व्हाई? ऐसा क्यों? आपको शायद समझ में आ जाएगा. मान लो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन है ए टू प्लस बी टू गिविंग टू ए बी, है ना, ये रिएक्शन है, और मैं आपको इसका रेट का एक्सप्रेशन दे रहा हूँ के ए की पावर वन बी टू की पावर वन. तो क्या आपको कोई डाउट आएगा क्या? डू यू हैव सम क्वेश्चन इन माइंड? ये ओवरऑल रिएक्शन मैंने आपको बताया और बोला कि ये उसका रेट का एक्सप्रेशन है, तो क्या आप ये चीज एक्सेप्ट कर सकते हो? इसमें आप क्या बोलोगे? इसमें आप ऐसे बोलोगे ना कि यार ये क्या है, ये ना तो रिएक्टेंट है ना तो प्रोडक्ट है, मतलब ये क्या सब्सटेंस है, इसका कॉन्सेंट्रेशन मैं कहाँ से लेके आऊं, ये तो हमें पता ही नहीं है, दिख ही नहीं रहा, ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जब भी रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसको ऐसे अधूरा नहीं छोड़ सकते इंटरमीडिएट के फॉर्म में. मतलब यहां पर नोटिस करना, दिस कैन नॉट बी रिपोर्टेड एज फाइनल एक्सप्रेशन. व्हाई? बिकॉज इट कंटेन्स इंटरमीडिएट. ठीक है, ये ए इसमें प्रेजेंट है, ये नहीं चलेगा. ठीक है, यहां पर नोटिस करना, अ फाइनल रेट एक्सप्रेशन कैन ओनली हैव, या तो उसमें रिएक्टेंट्स हो सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स हो सकते हैं या फिर कैटलिस्ट भी चलेगा. ठीक है, बट नॉट इंटरमीडिएट. क्योंकि इंटरमीडिएट तो क्या है, ये तो रिएक्शन में बनता है और कंज्यूम हो जाता है, इसका कैलकुलेशन फिर हम लोग कैसे कर पाएंगे? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब हमारे सामने जो टास्क है वो क्या है, यहां पर ऑब्जर्व करना, यूज आरडीएस अप्रोक्सीमेशन
टू सब्स्टिट्यूट, ठीक है, यूज आरडीएस अप्रोक्सीमेशन टू सब्स्टिट्यूट द इंटरमीडिएट. ठीक है, तो ये इंटरमीडिएट यहां पर क्या है, ए, और ये आरडीएस अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, आरडीएस अप्रोक्सीमेशन कहता है दैट इक्विलिब्रियम, ठीक है, रैपिड इक्विलिब्रियम हैज बीन अचीव्ड. ठीक है, जो इक्विलिब्रियम वाले स्टेप्स थे वो रैपिड थे, तो वो इक्विलिब्रियम पर आ चुके हैं. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड भी लिख सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए टू की कॉन्सेंट्रेशन रेश द पावर ऑफ वन. ठीक है, ये स्टेप वन था ना, दिख रहा है इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, स्टेप वन का ए की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन ए टू की कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दैट ए की कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू रूट ओवर के एफ अपॉन के बी इंटू ए टू की कॉन्सेंट्रेशन का, ये सब स्क्वायर रूट में रहेगा. इसको अब मैं सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं. नाउ सब्स्टिट्यूट, तो इसमें मेरा क्या हो जाएगा, जो आर था, आर था के टू इंटू ए, अब ए की जगह मैं क्या लिखूंगा, के एफ अपॉन के बी इंटू ए टू का कॉन्सेंट्रेशन इंटू बी टू का कॉन्सेंट्रेशन. इसको अब मैं मेरा रेट एक्सप्रेशन बोल सकता हूं. ये मेरा फाइनली करेक्ट आंसर रिपोर्ट हो सकता है. ठीक है, क्यों, क्योंकि अब इसमें सिर्फ रिएक्टेंट्स ही हैं, इंटरमीडिएट कोई भी नहीं बचा. ठीक है, तो दस अब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर नोटिस करना, ओवरऑल रेट कांस्टेंट विल बी व्हाट, के टू इंटू रूट के एफ अपॉन के बी. ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर कितना हो जाएगा, ये भी ऑब्जर्व करना, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा 1/2 + 1, दैट इज 3/2. ठीक है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए टू विल बी हाफ, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी टू विल बी 1. ये मेरे करेक्ट आंसर होंगे. समझ में आया किस तरीके से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर निकाला जाता है. ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ. ठीक है, शायद दिखेगा अभी आप लोगों को कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मैकेनिज्म से कैसे उसका रेट डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं.
ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग और भी रिएक्शंस में ये अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। ठीक है, मैं एक दो एग्जांपल्स आप लोगों से सॉल्व कराता हूँ, बुकलेट खोल के देखते हैं हम लोग। सो इसमें आपको उसमें वो स्टेप वन ही क्यों यूज किया बाद में, थ्री भी कर सकते थे। हाँ, मतलब इसमें कैसा था, यहाँ पर आप नोटिस करना कि ये स्लो स्टेप था। ठीक है, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे रेट का एक्सप्रेशन लिखना, पर अब इसमें कैसा हो रहा है, ये ए आ रहा है, ठीक है, जो कि इंटरमीडिएट है, तो वो हम लोग कहाँ से अब उसको सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे, इस वाले स्टेप से जो इसके पहले का है, रैपिड इक्विलिब्रियम है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव हो जाएगा, फटाफट अचीव हो जाएगा, क्योंकि ये फास्ट था, रैपिड था। तो उसमें से हम लोग ए का कॉन्सेंट्रेशन ए टू के टर्म्स में निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। ठीक है, एंड आप नोटिस करोगे कि बुकलेट में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे तो कैसा हो सकता है कि मैकेनिज्म कुछ भी हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट से डिफिकल्ट मैकेनिज्म भी हो सकता है, पर अभी कैसा है कि सारे टाइप के मैकेनिज्म अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पर एक स्पेसिफिक छोटा सा पार्ट ही पढ़ रहे हैं जिसमें इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करा जा सकता है, या आरडीएस अप्रोक्सीमेशन यूज करा जा सकता है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, सब में इसी टाइप का मैकेनिज्म है। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ठीक है, या तो कैसा होगा कि पहला स्टेप भी स्लो हो जाएगा, ठीक है, या फिर एक फास्ट इक्विलिब्रियम के बाद में एक स्लो स्टेप फॉलो हो रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ये रिएक्शंस हो रहे होंगे। ठीक है, जैसे आप चलो इनको प्रैक्टिस कर लो, मैं एक बार इनको उधर उतार लेता हूँ, आप लोग खुद ही ट्राई करना, आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये चारों पांचों क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना अभी क्वेश्चंस? यस सर।
ठीक ऑलराइट, बताओ आंसर्स क्या क्या आ रहे हैं। पहले वाले केस में कैसा है कि पहला स्टेप ही स्लो हो गया, ठीक है, तो इसी के हिसाब से रेट हम डिटरमाइन कर देंगे, ठीक है, और रेट क्या हो जाएगा, के इंटू ए की पावर वन एंड बी की पावर वन, ठीक है। अच्छा, ए एंड बी क्या रिएक्टेंट है? हाँ बिल्कुल रिएक्टेंट है, तो चल जाएगा इनके टर्म्स में आंसर, तो हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले में ये सेकेंड स्टेप स्लो है,
तो रेट क्या हो जाएगा, ये इसको K2 बोल देते, K2 into nascent oxygen की power 1 and O3 की power 1, पर ये तो नहीं चलेगा, क्यों, क्योंकि जिनके nascent oxygen है, सिंगल ऑक्सीजन एटम है, वो तो इंटरमीडिएट है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, कैसे, RDS approximation यूज करके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग RDS approximation यूज कर रहे हैं, that ये equilibrium पर है, तो जो इसका capital K equilibrium होगा, वो क्या होगा, O2 की concentration into O की concentration upon ozone, and यहाँ से इसको फिर substitute कर देंगे, ठीक है, तो इससे आपका rate का answer कैसा बन जाएगा, K2 into K into O3 की पावर 2 अपॉन O2 की पावर 1, है ना, ये आपका बी ऑप्शन से मैच करने लगेगा, समझ में आया, अच्छा, जिसका K छोटा है उसका स्पीड भी सबसे कम होगा, तो इसमें A to B आपका स्लोएस्ट स्टेप हो जाएगा, एंड इस लास्ट वाले में ये पहला ही स्लो स्टेप हो गया, तो रेट क्या हो जाएगा, K1 into X2 की पावर 1, अब X2 की पावर 1 में छोड़ सकते हैं, हाँ छोड़ सकते हैं, क्योंकि X2 रिएक्टेंट है, तो ऑर्डर 1 ही आ जाएगा, समझ में आए ये क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन में डाउट है, ऑल राइट, तो आई थिंक ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, अब इसके आगे का पार्ट जो है उसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं, एंड थोड़ा डायग्राम एंड ऑल भी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताता हूँ, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग यहीं से अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, आज की क्लास में कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना है, तो फिर आप आज का क्लास यहीं पे रोक दें, ठीक है, चलो ऑल राइट, नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं।